देर आर नो स्मॉल रोल्स, देर आर स्मॉल एक्टर्स. कोई रोल छोटा नहीं होता. आज में मेरी फिल्म आई है Z5 में बस्तर आदा शर्मा के साथ. जी. मुझे मेरा किरदार लक्ष्मी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कितने लोगों ने देखा है? लोग मुझे जरीना के नाम से जानते हैं. वही है, कौन सा काम दिखेगा आपके हाथ में नहीं है. आपको शिद्दत के साथ जो आपको मिलता है वो आपको करना पड़ेगा, उसका सा स्किन शो व्हाटएवर इफ यू कॉल दैट बोल्ड रोल. और एक्शन सीन हो गया जब सलमान खान 50 गुंडों को एक साथ मार रहा है, वो एक्चुअली मारता है क्या? तो सिमिलरली बोल्ड रोल्स भी तो वही सीन हो गए ना. ये मेरा चॉइस है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जज मत करो मुझे. बहुत असमंजस के वो ऐसे कुछ क्षण होते हैं इंसान की जिंदगी में कि जब वो जिसको पाना चाहते हैं वो मिलता है मगर बहुत ही कम. और फिर मन मस्तिष्क में ये चलता रहता है कि जो मिला है क्या अब तक यहीं पहुंचेंगे. कई बार ऐसा होता है कि इंसान उस मंजिल को छोड़कर किसी और मंजिल की ओर चला जाता है. लेकिन कुछ होते हैं दिल के जिद्दी जो टिके रहते हैं उसी मंजिल पर जब तक उन्हें वो मंजिल मिले नहीं. और फिर जब ऐसा चमत्कार होता है कि जिसका ख्वाब जिनके सपने वो बुनते हैं वो मंजिल उनके पास आती है, तो फिर लगता है कि ये जिद बहुत अच्छी है. मिर्ज़ापुर सीरीज़ तो आप सब ने देखी है और हाल फिलहाल में इस तरह उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं वो और एक्साइटमेंट रेज करती है. आज एक ऐसी ही उस सीज़न की कलाकार हमारे साथ हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, जिनका काम की सब लोग सराहना कर रहे हैं, जरीना के किरदार से जो इस समय पॉपुलर है. और आज हमारे साथ खास चैट पर हैं, अनंक्षा हमारे साथ हैं. कैसे हो आप? जी, नमस्ते सब दर्शकों को एंड हेलो, आई एम ग्रेट, थैंक यू. सबसे पहले तो बहुत बधाई मिर्ज़ापुर के लिए. और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और सबसे ज़्यादा सेंसेशन इस समय आप ही हैं, तो ये जब देखते हो तो एक्साइटमेंट होती है कि चलो यार ठीक है मज़ा आ गया. आई मीन हाँ, मज़ा तो आता ही है और खुश तो होते ही हैं जब आपका हार्ड वर्क बोलता है, जब दर्शकों को पसंद आती है तब तो अच्छा लगता ही है. पर ये इट्स नॉट द हाईलाइट ऑफ माय लाइफ, मतलब ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम है काम करना. काम करने के बाद दर्शकों से प्यार मिलता है, कभी कभी गाली मिलती है, सब कुछ एकदम लेना पड़ता है. यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स विद ग्रैटिट्यूड. मैं आप जब इंटरव्यू से पहले आप की जर्नी के बारे में पढ़ रहा था, हम जब सवाल बना रहे थे जी. तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आपने भी समय दिया है इस इंडस्ट्री को. और दूसरी बड़ी बात जो मैंने नोट भी करी है कि आपने भी रोल्स को ज़्यादा मापा नहीं, छोटे छोटे रोल्स मिले आपने किए. और इस इंडस्ट्री की तो कहावत है, कई बार कहा जाता है कि टाइपकास्ट हो जाओगे, छोटे रोल्स कर रहे हो, आगे कैसे बढ़ोगे. तो जब आप उस समय रोल्स कर रहे थे, पता था कि वहाँ से यहाँ तक की जर्नी में वो छोटे रोल्स बड़े रोल्स तक लेके जाएगा? जी पता था. एक बहुत ही अच्छी कहावत है, देर आर नो स्मॉल रोल्स, देर आर स्मॉल एक्टर्स. कोई रोल छोटा नहीं होता. ये एक अभिनेत्री या अभिनेता उस किरदार में क्या मतलब जान डालते हैं उसके ऊपर है. नहीं तो मिर्ज़ापुर वन में मेरे 4 सीन्स थे, उससे इतना प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला कि कुछ ठीक ही किया होगा. और पहले से पता था ये क्या है ना कि हम तो कोई फिल्मी लीनेज से आते नहीं हैं. माँ बाप कलकत्ते में मेडिकल लाइन में हैं, तो क्या है कमर कस के ही आए थे कि यहाँ मेहनत भी करना पड़ेगा, यहाँ टूटेंगे भी, यहाँ गिरेंगे भी, फिर से उठना पड़ेगा. और मेरा ये नहीं है कि मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है अपने आप को, या नहीं दिया था कि हाँ 5 साल में मुझे कैटरीना कैफ बनना है, ऐसा कुछ नहीं था. मुझे काम करना था, अभिनय से मुझे प्यार है, और हाँ इट्स अ जर्नी और ये जर्नी मुझे पसंद है. मुझे थिएटर करते करते मेरी आखिरी सांस लेनी है, तो जब करना ही ये है तो व्हाट इज द टाइम लिमिट गोना डू. कोई आपने वो सेट रूल्स नहीं बनाए कोई इस समय में यहाँ से, कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं, मुझे मज़ा आता है, मुझे कनेक्शन लगती है भगवान के साथ जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, तो वो फीलिंग ही अपने आप में संपूर्ण है. तो उसके बाद जो मिले. मिर्ज़ापुर 3 के रिलीज होने के बाद एक तो बहुत ग्रैंड तरीके से इस फिल्म का तगड़ा प्रमोशन, सीरीज का तगड़ा प्रमोशन हुआ जी. है हमने इस पे इसके प्रीमियर्स हुए हैं, जो एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत लोगों ने पसंद किया है. लेकिन इंटरनेट पर एक तबका ऐसा है जो कह रहा है सीजन में इतना दम नहीं है.
आपको लगता है कहीं कोई कॉर्ड मिस हुई है या ये परसेप्शन है और जनता जैसा सोचे वो सही है? हाँ, क्योंकि सबको पसंद आए ये ज़रूरी तो नहीं है। हम कुछ भी काम करें वो सबको भाए वो नहीं हो सकता। इंटरनेट में जितने लोग, इसीलिए मैंने कहा जितना प्यार मिलता है उतनी गालियाँ भी मिलती है, तो किसी किसी को अच्छा लगा है किसी को अच्छा नहीं लगा है। मुझे पर्सनली एज एन ऑडियंस ये बेस्ट सीजन लगा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद आया है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो भी ठीक है। क्या आप OTT को थैंक्स बोलना चाहोगे, इनफैक्ट राइटर्स को भी, क्योंकि अब जिस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, स्पेसिफिकली फीमेल सेंट्रिक चीज़ें हो रही हैं, फीमेल्स के लिए कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, उनको परफॉर्म करने का वो कैमरे के आगे उस तरह की चीज़ें दी जा रही है, आप कहना चाहोगे इसलिए हो रहा है कि OTT आ गया है, या नहीं अब राइटर्स इवॉल्व हो गए हैं, या समय इवॉल्व हो गया है, या जनता इवॉल्व हो गई है? आई थिंक समय इवॉल्व हो गया है और ये तो होना ही था। और मुझे लगता है फीमेल सेंट्रिक नहीं बोलेंगे उतना, मुझे लगता है कंटेंट अभी बहुत अच्छा आ रहा है, लिखाई बहुत अच्छी हो रही है, मतलब किरदारों में वो जो लेयर्स है जो मज़ा है वो आ रहा है। तो अभी हमारे जैसे एक्टर्स का टाइम है, मुझे लगता है इट्स अ गोल्डन एरा फॉर अस, कि हम जो ऑड बॉल्स हैं, क्योंकि मैंने कभी खुद को ना बॉक्स में कि मैं ना इनके तरह दिखती हूँ या उनके तरह दिखती हूँ, बॉक्स में मैंने कभी देखा नहीं है। मैं हूँ बंगाली, मैं लगती नहीं हूँ बंगाली, तो इसलिए वो बॉक्स को तोड़ना मुझे पसंद है, कि क्यों एक बॉक्स में ढलना है कि चार हीरोइन ऐसे हैं तो फिफ्थ वाले को ऐसा होना है, क्यों क्यों हम कुछ अलग नहीं ला सकते क्यों? तो वो अलग जो फ्लेवर्स है, वो फ्लेवर्स अभी जनता भी आई थिंक हैज इवॉल्व्ड, वो भी देखना चाहते हैं, सेम चीज़ नहीं देखना चाहते, तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड टाइम और ये होना ही था। और एक चीज़ से आप लोगों से बहुत कनेक्टेड हैं, जनता चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी हो, कि आप उनको उनके जैसे लगते हो, उनके बीच के लगते हो, उनसे उठकर आए हो। यही सवाल मैंने फैजल मलिक को भी पंचायत के लिए पूछा था, जीतू भैया को पूछा था हमारे कोटा फैक्ट्री के लिए, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि आपसे ही जाने कि एक अच्छी वेब सीरीज में आने के लिए या फिल्म में आने के लिए वो भी ऐसा क्या करें कि वो भी लैंड कर जाएं। मुझे ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, और मैं ये बहुत गर्व के साथ बोलती हूँ कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, ये कोई मतलब बैड थिंग नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी प्राउड ऑफ, बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिडिल क्लास है। आप अगर गूगल करो आई थिंक 75% इज मिडिल क्लास। तो हमारे सपने भी हैं, ऐसा क्यों हो कि सिर्फ वो कुछ परसेंटेज के लोग ही सपने देख पाए, यू नो हम भी सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि सही दिशा में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत, और वही कि जल्दबाजी में काम नहीं होगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि ऐसे वेब शो में कोई सेट रूल नहीं है यहाँ इंडस्ट्री में कि ये करेंगे तो उसके बाद ये करेंगे तो पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकता। बट ये है कि अगर आप जो कर रहे हो उससे आपको प्यार है और उसमें आपको मज़ा आता है और यही आपको करना है और हार्डवर्क करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, तो आई थिंक सक्सेस इज नॉट फार एट ऑल। और इस जर्नी के बारे में आप कैसे बताना चाहोगे, स्पेसिफिकली मिर्ज़ापुर, क्योंकि ये भी एक फैंस का फैंडम है, जैसे IPL में फ्रेंचाइजीज के लिए है, वैसे वेब सीरीज़ के सीजन्स के लिए है, तो ये कैसी जर्नी रही, क्या तैयारियां करी, क्या यादें आती हैं? ग्लोबली मिर्ज़ापुर इज द 3rd मोस्ट वॉच्ड सीरीज। क्या बात है, बधाई हो। थैंक यू। लेकिन मुझे क्या पता था जब मैं मिर्ज़ापुर कर रही थी कि ये मिर्ज़ापुर बन जाएगा? नहीं, मैंने जितना मतलब अपना ऑनेस्टी के साथ जितना मुझे किसी भी काम में मैं जैसे जाती हूँ वैसे ही गई थी। ये तो कहीं कनेक्शन है कि उसने सोचा हाँ बेटा तूने बहुत मेहनत कर ली ये ले, तो इट्स लाइक दैट। लेकिन आप नहीं जानते कि आपका कौन सा काम। मार्च में मेरी एक फिल्म आई है Z5 में, बस्तर आदा शर्मा के साथ। जी मुझे मेरा किरदार लक्ष्मी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कितने लोगों ने देखा है? जी जी
लोग मुझे जरीना के नाम से जानते हैं, वही है, कौन सा काम दिखेगा आपके हाथ में नहीं जी, है बिल्कुल। आपको शिद्दत के साथ जो आपको मिलता है वो आपको करना पड़ेगा, उसमें जान डालना पड़ेगा, फिर वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, एवरीथिंग हैज इट्स ओन डेस्टिनी, इतना नहीं सोचना चाहिए, बस काम करना चाहिए। कोई ऐसा यादगार किस्सा जो बताना चाहो आपने अब तक शेयर नहीं किया, इस शूटिंग के दौरान हुआ हो, वो मेमोरी हो या कोई हंसी मजाक हो। ये डांस सीक्वेंस जो वायरल हो रखा है, उस दिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और मतलब बस वही, मैं आई जस्ट रिमेम्बर दैट कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, इतना हॉट ये वो, और मुझे बस पसीने छूट रहे थे बार बार करके, इट वॉज वेरी हॉट दैट डे। पंकज त्रिपाठी इस पूरे सीजन की बुनियाद है, और कहते हैं बुनियाद जहाँ होती है वहाँ आसपास अच्छी खासी शक्ति होती है, तो उनसे आपको क्या एक टेक अवे मिला कि यार ये पंकज त्रिपाठी इसलिए है, कुछ ऐसा कोई एनर्जी मिली या कुछ ऐसा लगा? देखिए उन्होंने भी बहुत बिल्कुल समय से बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने भी काम किया है, और आज उनको जो मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं वो मिल रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो टेक अवे है वो ये है कि ज़मीन से जुड़े रहो, वो आज भी वही इंसान है, इतने लाइक ही इज वंडरफुल एक्सीलेंट, उनके बिहेवियर देख लो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है समय या सक्सेस के साथ इंसान को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हो ना आपको नीचे भी आना पड़ता है जी, बिल्कुल, कोई ऊपर मतलब टिके हुए नहीं रहता, एंड एवरीबडी फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, माई नेव्यू डजंट नो द नेम ऑफ दिलीप कुमार, ओके, इट्स सैड राइट, तो कोई कल मेरा नाम भी कितना भी मैं कर लूँ नहीं जानेगा, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है जर्नी में आप मज़े करो, अच्छे लोगों से मिलो, आपकी अच्छाई लोगों तक पहुँचे। आई थिंक पंकज सर से तो मैं यही सीखती हूँ कि वो इतने अच्छे हैं ना, मतलब आप उनके साथ एक सीन करोगे ना आपको वो इंसान भा जाएगा, आपको लगेगा मुझे ऐसा बनना है, ये अच्छाई, एंड यू कांट फेक इट, यू कैमरा विल नॉट लेट यू फेक इट, यू कांट, सो आई थिंक दैट नाइसनेस इज वर्थ प्रिजर्विंग एंड इम्बाइबिंग, सो या जो इंस्टाग्राम या ट्विटर सोशल मीडिया पे रील्स या जो ट्रेंड्स हो रही है, ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है, उसमें आप प्रमोद भाई, प्रमोद पाठक दोनों सबसे ज़्यादा उनकी आप लोगों की रील्स बन रही है, जी, तो कैसा उनके साथ काम करने का क्या मज़ा आया? बहुत मज़ा, कभी लगा था कि ये एक अलग कपल बन जाएगा, इंस्टाग्राम सेंसेशन हो जाएगा? नहीं ऐसा तो नहीं लगा था, बट प्रमोद जी बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, अभिनय कैसा है, एक आदान प्रदान का मीडियम है, आपका को एक्टर जितना अच्छा होगा आपका सीन उतना मतलब इट बी मोर ब्यूटिफुल, इट कम आउट वेल। तो प्रमोद जी ऐसे एक इंसान है जिनके साथ काम करके हर सीन ऊपर जाता है, हर सीन और ब्यूटिफुल बनता है, एंड ही मेक्स यू वेरी कम्फर्टेबल, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बींग अ वुमन डूइंग दीज सीन्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट जब आपके को एक्टर ऐसे हैं जो आपको कंफर्टेबल करते हैं, जिनके टच से आपको लगता है यार ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है, यू नो, तो फिर आप और जान डाल सकते हो, तो ही इज़ लाइक दैट, कि उनके साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत। और आप इस ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा बहुत दिल से, कि कई कई बार कुछ चीज़ें बहुत दिल से बनाई जाती है और उस पर ऊपर वाले का नेब साथ होता है। इस सीरीज में जितने भी आप कलाकार देखिए जाओ, एक बहुत अच्छे मुकाम पर सब हैं, चाहे अली देवेंदु हों, विक्रांत, उस जब सीजन वन आया था वो लोग जानते थे, लेकिन आज जिस मुकाम पर विक्रांत हैं, अब आप हैं, तो कई की बार होता है कि ऊपर वाला एक ऐसी बुफे तैयार करता है कि जिसका मज़ा सबको चखना होता है। आई थिंक आप अगर देखोगे मिर्ज़ापुर के हर कलाकार में एक जैसे कहीं ना कहीं दे आर ब्लेस्ड, और सब ने बहुत मेहनत की है, कोई ऐसे नहीं है कि आज आया है, एवरीबडी हैज़ वर्कड हार्ड, और उन्होंने बहुत मतलब शिद्दत से काम किया है, बहुत साल से काम कर रहे हैं, अभी जाके सडनली वो सारे लोग एकदम लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन एक बैक स्टोरी है जो कैमरा में नहीं दिखता, हर एक्टर की एक बैक स्टोरी है कि वो कहाँ से आए हैं, कितना मेहनत किया है, वो नहीं दिखता ना, दिखता आज है कि अरे आज तो ये वायरल है बिल्कुल, लेकिन जो सालों की मेहनत है, तो हर एक एक्टर इस सीरीज में बहुत ही मेहनत करके आए हैं, जहाँ वो हैं वो डिजर्व करते हैं, और एक ऐसा सेट है ना, माहौल इतना अच्छा है सेट का, कि कोई हायरार्की नहीं है कि मैं तो ये हूँ मैं तो वो,
नहीं, हर एक्टर सेम है. इवन द डायरेक्टर गुरमीत, वो जो एक सीन के लिए जो एक्टर आता है उसके साथ जैसे व्यवहार करता है, मेरे साथ भी वैसे ही व्यवहार करता है. तो जब कैप्टन ऑफ द शिप ऐसे हो तब तो अच्छा ही बनेगा ना. बिल्कुल बढ़िया बनेगा जी. और जिस तरह का काम आपने किया है, 15-16 साल की जर्नी है, मैं आपसे ही बात कर रहा था जी. आज इस मुकाम पर आप समझते हैं कि आप फाइनेंशियली प्रोफेशनली सिक्योर्ड हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बहुत लोग अपनी उस क्लैरिटी से भी शहर आए कि उन्हें लगे कि दिस इज नॉट एन इजी बॉल गेम, क्योंकि लोग समझते हैं कि बॉम्बे आ गए और कल हम किसी वेब सीरीज में आ जाएंगे. इसलिए ये सवाल है कि प्रोफेशनली सिक्योर्ड हो आप, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो आप आज इस मुकाम पर? ये शहर बहुत ही महंगा शहर है, तो यहाँ टिक पाना, अपने सपनों के पीछे भाग पाना, ये अपने आप में ही एक जद्दोजहद है. टू आंसर योर क्वेश्चन वेदर आई एम फाइनेंशियली एंड वट एवर वे में सिक्योर्ड, जर्नी चल रही है, गाड़ी है, उसी रास्ते पे है, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच चुके? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन दिख रहा है. पहले तो दिख ही नहीं रहा था जी, लेकिन तब भी चल रहे थे. ये है कि पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा. मैं 9 साल की उम्र से मैं जानती थी मुझे यही करना है, तो उसके बाद जो जर्नी जैसे हुई, जो रिबेल करना पड़ा, जहाँ बॉक्सेस तोड़ने पड़े, फिर मैं जब यहाँ पहले आई, फिर लोग मुझे एक बॉक्स में, आप बंगाली हो, आप सिर्फ हॉट रोल्स करो. अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आई हूँ, थिएटर किया है, लेकिन ये सब, ये बॉक्स में आपको लोग डालना चाहेंगे बिकॉज दैट मेक्स देम कम्फर्टेबल, उनकी सोच वैसी है. लेकिन आपको वो, आप में वो दम होना चाहिए कि आप उस बॉक्स को तोड़ो. नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो भी कर सकती हूँ. आप देखो तो, मैं साड़ी में भी अच्छी लगती हूँ, मैं वेस्टर्न में भी अच्छी लगती हूँ. ये आपकी नज़रिया है कि आप कैसे देखोगे उसे. आपका एवोल्यूशन है या नहीं, कि आप वो समझ पाओगे या इमेजिन कर पाओगे या नहीं. सिमिलरली, लेकिन हर एक बच्चा, बात कही आपने ये. या हर एक बच्चा जो आता है ना, उसको पहले तो ये सोच के आना चाहिए कि देखो, तरीके बहुत हैं. जब हम आए थे तब भी ये गॉडफादर्स ये सब हैं इंडस्ट्री में, तब तो थे. लेकिन आपको समझना पड़ेगा मुझे वो रास्ता लेना है या नहीं. टचवुड, थैंकफुली आई वॉज इंटेलिजेंट, मुझे पता था वो सब रस्तों में ना कहीं जाना नहीं है. ये जो बोलते हैं बॉलीवुड पार्टीज में जाओ, पार्टीज में जाके काम मिलेगा, क्यों मिलेगा पार्टीज में जाके काम? हम मिले एक ऐसे इवेंट में जहाँ कोई काम नहीं था, हम बस आए थे, मुझे आज भी याद है. एग्जैक्टली, पार्टीज में लोग अनवाइंड करने जाते हैं ना, थोड़े काम मतलब वो तो कास्टिंग का डिपार्टमेंट है, वो तो वैसे नहीं होता. और बहुत लोग ना उसी चक्कर में ना गुम हो जाते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं. दैट इज नॉट द वे, एक प्रोफेशनल वे है. आप पहले जो आप कर रहे हो उसे सीखो. आप में कोई पैसा लगाएगा ना आप पे, करेक्ट, तो यू हैव टू बी वर्थ इट कि कोई आप पे पैसा लगाए. तो खुद को उस लायक बनाओ और फिर आहिस्ते आहिस्ते गो द राइट वे. शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट में लोग गुम हो जाते हैं. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड और फिर जब हो जाए अच्छा. आपने इसे बोल्ड रोल्स कहा कि बहुत लोग कहते हैं चलो बोल्ड रोल्स कर लो जी, तो क्या खराब है बोल्ड रोल्स करना, या परसेप्शन उसका ऐसा देखा जाता है, या फिर इजी वे है फॉर फीमेल्स की चलो काम देना तो चलो बोल्ड रोल्स दे दो, क्या कहना चाहोगे? पहली बात, मेरी like my thought process about it is a little different. मैं सोचती हूँ कि एक bold role हो गया, for example थोड़ा सा skin show whatever if you call that bold role, और action scene हो गए. जब सलमान खान 50 गुंडों को एक साथ मार रहा है, वो actually मारता है क्या? तो similarly bold roles भी तो वही scene हो गए ना. इसमें इतना जो हवा बनाते हैं लोग, it's just the perception I think. एक actor तो एक scene कर रहा है, जो नॉर्मल एक सीन है, एक्शन सीन है, कॉमेडी सीन है, उसके लिए एक सीन है, वो सीन कर रहा है. अब आप उसमें क्या परसेप्शन डाल रहे हो, ये तो आपके ऊपर है. हाँ, अब रोल्स भी, बोल्ड रोल्स भी बहुत तरीके के होते हैं. अब आपको अगर लगे कि थोड़ा सा स्किन शो करके जल्दी, नहीं, वो नहीं टिक पाता, नहीं टिक पाता. किसी भी एक्टर में ना, जैसे पहले आप बोल रहे थे, एक नवरस होना चाहिए, 9 इमोशंस जो हम सीखते हैं, और वो हर रस जब आप उसे एक्सप्लोर करोगे, तब आहिस्ते आहिस्ते आपके लेयर्स खुलेंगे. श्रृंगार बोलो या आप इसको बोल्ड बोलो या आप इसको स्किन शो बोलो, ये एक रस है,
इट्स जस्ट वन इमोशन, देयर आर मेनी अदर इमोशंस. आप अगर एक रस में अटक के रह जाओगे देन यू आर एन एक्टर हु डजंट हैव रेंज. और एक ही चीज़ देख देख के ऑडियंस विल गेट बोर्ड. वो रेंज होना चाहिए. ईशा तलवार भी इस सीज़न में हैं और पहले भी वाले सीज़न में भी थी. एज एन एक्टर आप उन्हें कैसे देखते हो, कितना उनमें उनके काम से आप प्रभावित हुए? वो भी एक यंग जनरेशन एक्टर हैं, बहुत पसंद करते हैं लोगों ने. शी इज़ वेरी गुड, ऑल एवरीबडी इज़ वेरी गुड. आई मीन मेरी फेवरेट है श्वेता त्रिपाठी जी और रसिका दुग्गल. ये दोनों, ये जो मतलब ये दोनों मेरे फेवरेट हैं. इंसान भी अच्छे हैं और जब काम करने जाओ उतने ही प्रोफेशनल है, उतने ही मतलब आपको वो देंगे. एक्टर का काम होता है अगर आप नहीं, आपने सामने वाले को, अपने को एक्टर को नहीं दिया ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो देते हैं सीन में. तो अनफॉर्चुनेटली दोनों के साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे, बट दे आर माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ द शो, श्वेता त्रिपाठी एंड रसिका. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. और इनफैक्ट रसिका से एक हमारी इंटरेक्शन हुई थी जहाँ उन्होंने कहा था कि जब हम बोल्ड रोल्स के बारे में बात करें कि बहुत लोगों ने उन्हें जज करा कि सिर्फ बोल्ड रोल्स कर रही हैं, बट मिर्ज़ापुर की जो उनकी डीप काम था, जो एक्टिंग था, उसको लोगों ने नहीं बात करी. वो उनको उस समय बड़ा चिंता का सबब था, मगर उनका ठीक है, एज फार एज लोगों को काम पसंद आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो व्हाट मैटर्स. और ये जो आई थिंक इट्स अ बिट, पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, बट इट्स अ बिट पेट्रियार्कल टू से बोल्ड रोल्स. बोल्ड रोल्स क्या होता है? व्हाट इज बोल्ड रोल्स? मुझे तो यही समझ में नहीं आता. एक बॉक्स में एक लड़की को घुसाना बंद करो यार. व्हाट इज बोल्ड रोल्स? आई मीन अगर किसी ने आप अगर जैसे मैंने वही बोला, आप अगर एक एक्शन सीन एक और एक लड़के को तो नहीं पूछा जाता, वो भी तो है ना वहाँ बोल्ड रोल में, लड़की थोड़ी अकेली है. तो आई जस्ट इट गेट्स माई गोट अ लिटल. बट हाँ यही है कि इन ऐसे अगर चीज़ हम अगर एज ऑडियंस भी इवॉल्व करें कि समझे कि एक्टर वैसा नहीं है. मतलब मुझे जितने DMs मिलते हैं कि come meet me, private meetings and all. I'm like, dude, please, it's a part I played. You know? So, but... But that's how the perceptions are. Yeah, but we have to break the perceptions. Otherwise, the society evolve kaise karegi? हम जब आते सनातनी धर्म से हैं, हमें समझना पड़ेगा कि बहुत कुछ चीज़ें हमें कोशिश करके, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो लड़की जो गांव में है वो कैसे कर लेगी? यू नो, ये सब समझ के एकदम इवॉल्व करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि ऑडियंस समझे. हम सिर्फ बता सकते हैं उसके बाद तो कि इन सब चीज़ों को समझा जाए सही से कि एक किरदार बस अभिनय कर रहे हैं. इट्स गुड कि आप लोग वो बोल रहे हो, मतलब शी इज़ सक्सेसफुल, वो जो प्ले कर रही है उसमें, बट उसके साथ थोड़ा सा समझो भी, अ लिटिल सेंसिटिव. तो आपने गॉडफादर की भी बात करी आज, जो इतना ओपन कल्चर है जहाँ पे सिनेमा है, कंटेंट है, आज भी गॉडफादर या कास्टिंग काउच जैसी फिनोमेनास एग्जिस्ट करते हैं? आई एम श्योर करते हैं, हर इंडस्ट्री में करते हैं, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में करते हैं. लेकिन वही है कि आपके थाली में बहुत कुछ परोसा जाता है, आपको क्या खाना है या आपके ऊपर है कि किससे मेरी हेल्थ बनेगी और किससे बिगड़ेगी. लाइक आई डोंट ड्रिंक, तो ये मेरा चॉइस है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जज मत करो मुझे. तो ये, और लड़कियों को लड़कों को समझना पड़ेगा ये आसान इंडस्ट्री नहीं है. मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. मैं जितने लोग मुझसे पूछते हैं मैं बोलती हूँ पहले तो दिमाग पे काम करो, क्योंकि आप यहाँ से वीक होना फिर तो पीपल विल टेक यू फॉर अ राइड. आपको समझना पड़ेगा जब कोई बोलता है अरे हम तो फिल्म फेयर दिला देंगे, कैसे दिलाएंगे, क्यों दिलाएंगे, काम तो मुझे करना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा हु इज़ फैफिंग, किस सर्कल में आप जाओगे, किस सर्कल में उठोगे बैठोगे. तो यू नो ये सब थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब बम्बई आई थी मेरा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैंने भी कुआं खुद ही खोदा है. लेकिन थैंकफुली पढ़ के आई थी तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि अच्छा इनसे दूर रहना है, इनसे बात करना है सीखने के लिए, ये बहुत एनरिच करेंगे. तो वैसे जो सोच के आएंगे तो उनका जर्नी आई थिंक इट विल बी इजीयर देन अदर पीपल. जाने से पहले आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, एज अ इंडियन सिटीजन इंडिपेंडेंस को आप, देश की इंडिपेंडेंस को कैसे देखती हैं? पहला.
उसी सवाल का दूसरा भाग, आपकी जिंदगी में इंडिपेंडेंस क्या है और कितनी जरूरी है? पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी. स्वतंत्रता यही बोलते हैं ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना इतना जरूरी है इंसान के लिए. तो मुझे लगता है हम काफी हद तक स्वतंत्र हैं. हमारे पूर्वज जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो इतना मेहनत करके, शायद उन्होंने जो सोचा था हम उस रास्ते चल रहे हैं. आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, प्राउड भारतीय. मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ. और मुझे लगता है जहाँ आप खुल के बात कर सको, आप जहाँ आप हो सको, जहाँ आपको किसी बॉक्स में ना ढलना पड़े कि सामने वाला कंफर्टेबल होगा, मेरे लिए वो इंडिपेंडेंस है. जहाँ मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बोल पाऊँ, किसी को नीचा दिखा के नहीं, लेकिन जो मुझे बोलना है विद ग्रैटिट्यूड, विद ह्यूमिलिटी मैं बोल पाऊँ, मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ. जहाँ मैं रात को बिना झिझक चल सकूँ, मुझे डर ना हो कि मैं अकेली हूँ ये वो, तो मेरे लिए वो इंडिपेंडेंस है. एटलीस्ट मुंबई वो मुझे देता है कि यहाँ लड़कियाँ सेफ है. सो आई थिंक दैट इज़ इंडिपेंडेंस फॉर मी. और बहुत हद तक वी आर देयर, और थोड़ा काम बाकी है, बाकी काम वो है, कर लेंगे जी. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वो जो आपने असंभव लगाया, अगर मैं सही पढ़ जी, पा रहा जी, असंभव तो आपने अपने जीवन में वो असंभव कार्य किया है, आप यहाँ तक पहुँची हैं. एक वादा आपसे चाहते हैं, आप ऐसे ही रहिएगा अगली बार भी, जब कोई अगली सीरीज या फिल्म पे बात करें, यही वॉर्मथ और यही हैप्पी गो लकी नेचर आपका बना रहे. बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच. तो ये एक ऐसी कलाकार हमारे साथ जिन्होंने खुद कहा ना कि बहुत चीज़ें मेहनत करके पहुँचते हैं और फिर भी लगता है मंजिल थोड़ी सी दूर है, बट उस मंजिल पर टिके रहना ही ज़रूरी है, जो अनांक्षा ने किया है, उन्होंने हासिल किया है, और यही इनकी कहानी से सीखने वाली बात है. अगर आपने मिर्ज़ापुर नहीं देखा है तो देखिए किस बात का वेट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है. और जानिए इसके बारे में. फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, लेकर आएंगे एक नया कलाकार, जानेंगे खुद उनकी कहानी, उनकी ज़बानी.